इंदौर में सोशल मीडिया पर फर्जी मैसेज के चलते जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए ऐसे व्हाट्सएप ग्रुपों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अब ऐसे मैसेज फैलाने वाले ग्रुप मेंबर और उनके एडमिन को गिरफ्तार किया जाएगा। बेहतर होगा कि एडमिन ग्रुप अपने एडमिन कंट्रोल अपने हाथों में लें और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दुष्प्रचार न करें। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस को देखते हुए इंदौर में 30 अप्रैल तक कर्फ्यू जारी रखने संबंधित एक मैसेज इंदौर कलेक्टर के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने मैसेज को फेक बताया। उन्होंने बताया कि फेक मैसेज को लेकर पुलिस से शिकायत की गई है। नहीं, मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, बिल्कुल गलत है ये। मैंने साइबर क्राइम को बोला है, अभी मैं बोला तो है पर मैं अभी गिरफ्तारी नहीं कराऊंगा ऐसे जो भी सज्जन ने जिन्होंने डाला है। पर मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, आज मैं एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट में आदेश भी जारी करूंगा कि सभी जितने भी मोबाइल ग्रुप्स हैं एडमिन्स अपने कंट्रोल में रखें, कोई भी पोस्ट ना होने दें उसमें, है ना। अब अगर किसी ने गलती की है उसमें मैं गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दूंगा। मैं किसी ने भी भ्रांति फैलाई इस तरह की, जो कोविड को मैनेजमेंट में हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें विपरीत टाइप की, कुछ और भी किसी ने, और भी डॉक्टर हैं कोई मुझे कल मालूम पड़ा कोई हैं, उन्होंने बोला कि साहब घरों से निकलो बाहर, तो इस तरह की अपील की उन्होंने फेसबुक पे। ऐसा जो भी इस कोविड की फाइट में इस तरह की निगेटिव चीज़ें जो भी करेंगे हम उठा के पटक के उनको जेल में भेज देंगे उनको। तो अभी मैं आपके माध्यम से सचेत कर रहा हूँ, आप लोग इसको बतलाओ आम जनता को, इसमें कोई भी निगेटिव तत्व घर में बैठे हैं खुरापा सूझी उनको, मैं क्लियर पुलिस को इंस्ट्रक्शन है और अगली बार मैं इंश्योर करूँगा कि पुलिस जाकर उठा के लाए उनको। सर, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट को लेकर। इंदौर से ईडी न्यूज़ के लिए राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट।